दुनिया में एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स मौजूद हैं। इन सब में से एक कार जिसे रईसी का सिंबल कहा जाता है वो है मर्सिडीज बेंज। किसी सितारे जैसा चमकता इसका लोगो देखकर लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लग्जरी और परफॉर्मेंस में मर्सिडीज का कोई मुकाबला नहीं। करीब 120 साल पुरानी है इस कार की हिस्ट्री। कई कार कंपनियां आई और चली गई मगर इसे पछाड़ ना सकी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों आज भी इस कार का दबदबा मौजूद है। बात 19वीं सदी के अंत की है जब लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तब तक साइकिल का आविष्कार हो चुका था। दो इंजीनियर दुनिया को फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ी से सफर कराने के बारे में सोच रहे थे। एक का नाम था गॉटलिब डैमलर और दूसरे का कार्ल बेंज। दोनों जर्मनी में ही रहते थे पर कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। डैमलर गैसोलीन से चलने वाले इंजन पर काम कर रहे थे, वहीं बेंज साइकिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक चार पहिया वाले ऑटोमोबाइल के इंजन को बनाने में बिजी थे। कई सालों की मेहनत के बाद दोनों ही कामयाब हुए, लेकिन बेंज थोड़े किस्मत के धनी निकले। पहले उन्होंने साल 1883 में बेंसन को रेनेस गैस मोटर इन फैब्रिक नाम की कंपनी रजिस्टर करवा ली। इसके बाद साल 1886 में बेंज ने मोटर वैगन के नाम से अपने इंजन का पेटेंट भी करवा लिया। इस तरह वो दुनिया में पहला इंटरनल कंबशन बनाने वाले आदमी बन गए। यही नहीं, बेंज ही दुनिया के पहले वो आदमी थे जिन्हें पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। वहीं डैमलर ने अपने एक साथी विलहेम मेबाच के साथ मिलकर साल 1890 में डैमलर मोटर एंड गेसेलशाफ्ट डीएमजी नाम की कंपनी शुरू करी। उन्होंने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया था जो मोटरसाइकिल, नाव या किसी ट्रॉली से जोड़कर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता था। उनका इंजन ना सिर्फ आकार में छोटा था बल्कि बहुत पावरफुल भी था। इसके बावजूद उन्हें इन्वेस्टर्स की राह देखनी पड़ी। इसी बीच डैमलर की मौत हो गई और सारा भार मेबाच पर आ गया। एक तरफ बेंज अपने आविष्कार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डैमलर की कंपनी को अब मेबाच संभाल रहे थे। दोनों ही अलग अलग खुद को एक बड़ी कार कंपनी बनाना चाहते थे। उन दोनों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो दोनों मिलकर दुनिया को कुछ बिल्कुल ही नया देंगे। दोनों ही कंपनियों ने अपना काम जारी रखा और दुनिया के लिए तरह तरह के ऑटोमोबाइल तैयार किए। इस बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और इन दोनों का प्रोडक्शन कम हो गया। इस युद्ध का असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। फ्यूल की कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, जंग के चलते दोनों ही कंपनियों को सेना के लिए वाहन बनाने पड़े। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में नई नई कार कंपनियां खुल रही थी। बेंज और मेबाच दोनों ही घाटे में जा रहे थे। संकट की इस घड़ी में दोनों कंपनियों ने एक होने का फैसला लिया। वो एक दूसरे को सही से नहीं जानते थे मगर अपनी कंपनियों को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस तरह साल 1926 में एक नई कंपनी डैमलर बेंज मौजूदगी में आ गई। जंग खत्म होने की कगार पर आई तो दोनों कंपनियों ने सोच लिया कि मिलकर दुनिया को एक नई कार देंगे। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने डिजाइन को मिलाकर प्रोडक्शन शुरू किया। फिर जाकर मौजूदगी में आई मर्सिडीज बेंज W15। आते ही इस कार ने ऐसा धमाका कर दिया कि ऐसी 7000 गाड़ियां कंपनी ने बेची। इसके अगले साल ही मर्सिडीज बेंज दुनिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गई। मर्सिडीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की कार से लेकर जर्मन सैनिकों के हथियार, एयरक्राफ्ट के इंजन और सबमरीन भी तैयार किए। एक तरफ ये कंपनी मॉडर्न कार बना रही थी तो दूसरी ओर जंग के हथियार, दोनों में ही इसने अपना खूब नाम किया। जंग खत्म होने के बाद 1946 में कंपनी ने 170V मॉडल पेश किया। इसमें चार सिलेंडरों वाला 260D इंजन था। इस कार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपनी की इमेज को बरकरार रखने का काम किया। वर्ल्ड वॉर के समय हुए सारे घाटे को कंपनी ने इससे ही पूरा किया। ये कार भी थोड़े ही वक्त में टॉप लाइन में फेमस हो गई। नई कंपनी में एमिल जेलिनेक नाम के एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर थे जो रेसिंग के काफी शौकीन थे। जेलिनेक ने रेसिंग की दुनिया में खुद को आगे रखने के जुनून के साथ कंपनी को एक हाई स्पीड कार बनाने का सुझाव दिया। वो ऐसी कार बनाना चाहते थे जो स्पीड के मामले में सबसे तेज हो और खूबसूरत भी दिखती हो। इसके लिए उन्होंने कंपनी को गाड़ी के इंजन को आगे की तरफ लगाने का सुझाव दिया। इससे पहले गाड़ियों में इंजन पीछे की ओर लगे होते थे। मर्सिडीज ने अपनी कार के साथ इस चीज को बदल दिया। कहते हैं कि जेलिनेक को कंपनी ने पहले गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद जेलिनेक ने कहा कि आप कुछ लिमिटेड कार्स ही बनाएं। अगर वो कार्स कोई नहीं खरीदता तो जेलिनेक ने 36 कारें खुद खरीद लेनी थी। किसी भी रूप में कंपनी को घाटा नहीं होना था। इस बात के बाद कंपनी ने इस पर काम करने का मन बनाया। इस तरह कंपनी ने दुनिया की पहली 36 हॉर्स पावर वाली कार बनाई। ये कार भी बहुत फेमस हुई।
इसके बाद मर्सिडीज बेंज का नाम रेसिंग कार में भी फेमस हो गया। उस दिन के बाद से लगातार मर्सिडीज बेंज कार की टॉप कोर्स की लिस्ट में गिनती होती आई है। वो दिन था और आज का दिन है, अब तक इस कार के लोग दीवाने हैं। नए जमाने के साथ ये और भी ज्यादा मॉडर्न हो गई है। आज भी इसका वही पहले जैसा बड़ा नाम है। मर्सिडीज का आइकॉनिक लोगो साल 1910 में एग्जिस्टेंस में आया था। ये पानी, जमीन और हवा में मोबिलिटी को दर्शाता है। पानी और हवा इसलिए क्योंकि मर्सिडीज दशकों से सबमरीन और एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डिजाइन कर रही है। इन तीनों ही जगह पर इस कंपनी ने अपना नाम बनाया है। डीजल इंजन से इक्विप्ड ट्रक्स को सबसे पहले मर्सिडीज ने ही पेश किया था। 1923 में कंपनी ने OB2 इंजन लॉन्च किया और अगले ही साल दुनिया को उसका पहला डीजल ट्रक मिल गया था। 80 के दशक में पूरी दुनिया में कार से हो रहे प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी। इस दिशा में आगे बढ़ने वाली मर्सिडीज पहली कंपनी बनी। इसने अपने इंजन को और भी एडवांस बनाना शुरू कर दिया। 1985 में इसके व्हीकल्स में क्लोज लूप 3 कैटलिस्ट कन्वर्टर और नए ऑयल फिल्टर लगाए गए जो कम कार्बन प्रोड्यूस करते थे। ABS और ESP सिस्टम, जिनकी वजह से ड्राइविंग को सेफ बनाया गया, इसे पहली बार मर्सिडीज ने ही इस्तेमाल किया था। इनमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कार को एक्सीडेंट के दौरान फिसलने से रोका जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। भारत में मर्सिडीज बेंज की कार्स की एंट्री साल 1994 में हुई। कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया। सैकड़ों एकड़ में फैले इस प्लांट में मर्सिडीज के नए मॉडल असेंबल किए जाते हैं। कार की बात करें तो मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1995 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। मर्सिडीज की कारें बहुत तेजी से भारत में बेची गई। बहुत से लोगों ने इस लग्जरी कार को अपना बनाया। इतना ही नहीं, फिल्मों तक में इस्तेमाल किया गया। थोड़े ही वक्त में मर्सिडीज भारत में कुछ इस तरह चली कि भारत उनके लिए खास मार्केट बन गया। मर्सिडीज बेंज ने आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है। यही कारण है कि आज भी ये धड़ल्ले से बिकती है। इसका लुक और लग्जरी टच आज भी लोगों को इसका दीवाना बनाता है। यही कारण है कि इसे एक आइकॉनिक कार माना जाता है।